मंदिरों की जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है तुम्हारा, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? बोलो ना उससे, ये हिंदू राष्ट्र है जो राम को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, नहीं वो किसी काम का नहीं। आरक्षण की बात क्यों? जय श्री राम। जब तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। आपको जब कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। क्या पता है? आज से अगर मेरी बहन बेटी, वो खेल कर आ गई तो उसके साथ जोनी शोषण किया है और उससे पहले नहीं किया था क्या? कैसा सत्ता चाहिए? हिंदू राष्ट्र, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र तो नहीं होगा। होगा तो हम बोल रहे हैं ना, हम अपने पूर्वजों की वजह से, कोई अम्बेडकर ने कुछ राम मान लो, टेम्पते बात है, ये बात नहीं, चूरन चटनी बिकवा देंगे तुम पे, माइक भाई सब दर हो रहे। क्या बोल रहे? वो अम्बेडकर खाने के लिए दे रहा है क्या केला? नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे का आप नज़ारा अगर देखेंगे तो वहाँ पे देश की महिला पहलवान लगभग 12 दिन से धरने पर हैं, और एक तरफ मेरे सामने का नज़ारा देखेंगे, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये सारे युवक हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? आपका नाम क्या है? शिखा सिंह। तुम्हारे लिए चाहिए ताकि तुम ऐसे सुरक्षित रह सके, बोल सको। अच्छा, इसलिए चाहिए? सुनिए, इसलिए आज से अगर मेरी बहन बेटी, मैं सुरक्षित हूँ, बहन बेटी आके मुझे सवाल, मैं सुरक्षित हूँ। किस वजह से? सारी वजह संविधान की। आपने कहा कि मैं कब तक सकती? संविधान देश के कानून के वजह से सुरक्षित हूँ। और कानून किसका है? और कानून किसने बनाया? संविधान बाबा साहब ने। कौन थे वो? हम में से एक थे। महाराणा प्रताप और भगत सिंह, फिर ये क्या है, ये क्या है? हाँ, हम में से एक। और अगर बाबा साहब ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की, उन्होंने संविधान में भारत लिखा है। एक वर्ग की मांग की थी ना, क्योंकि उस वर्ग के पीछे सुरक्षा के लिए, और आज वही वर्ग खड़ा होकर हमसे सवाल पूछता है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ये वही है, ये वही संविधान है ना भारतीय को। हाँ, मतलब मंदिरों की जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों की जरूरत नहीं है क्यों? मंदिरों की जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत नहीं है। हमारे मंदिरों की शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल थे, है और रहेंगे। कहाँ, कौन से मंदिर में? आइए, वाराणसी जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, मथुरा जाइए। पूरे भारत के मंदिर 1,00,000 करोड़ रुपया देते हैं भारत को, साल का टैक्स का देना बंद कर देंगे, देश चल जाएगा। कौन देता है आपके मंदिर में? कौन चढ़ावा देता है? कौन आपके मंदिर में? कहाँ से भगवान के लिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देते हैं? सुनिए, भाग कहाँ रहे हैं आप? सवाल सुनिए, मस्जिद और चर्च नहीं, सुनिए, कौन से मंदिर में क्या पढ़ाया जाता है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। संस्कृत, संस्कृत। आइए रुक जाइए, एक श्लोक है बड़ा सुंदर, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। ये मैंने वहीं से पढ़ा। अच्छा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे, सुनिए, शक्ति रूपे, ऐसी शक्ति जो आज बैठी है सामने 12 दिन से, उन्हीं के लिए खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। सत्ता हमारे हाथ में आ जाए फिर बताएंगे। आप ही के हाथ में, आप ही के हाथ में आएगी। यहाँ पर कुश्ती की बात हो रही थी, अरे रुको रुको, कुश्ती की बात, सत्ता चाहिए, एक मिनट चुप रहिए, आप चुप रहिए, सुनो ना, कुश्ती की बात हो रही थी, यहाँ किसान आंदोलन कहाँ से आ गया बताओ ना? सारे विपक्षी आ रहे हैं, सारे विपक्षी, पहलवान आओ ना, पहलवानी की बात करो, किसान पहलवान क्यों नहीं आएंगे? बेटी है सब, सब आएंगे। किसान ही क्यों? एक किसानी सिर्फ का, एक लड़की बताई, सुनिए पहले, कोई पहलवान है वहाँ पे, बाकी के सब किसान पहलवान। वो खेल आई, वो खेल कर आ गई तो उसके साथ जोनी शोषण किया है और उससे पहले नहीं किया था क्या? पहले हमेशा से किया था, हमेशा से वो बोल रही, पहले क्यों नहीं बताया था? पहले भी बताया था, अब बता देंगे, पहले बात तो सुनिए, कौन से मंदिर में, सुनिए, उस महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो बैठी है? वो झूठ बोल रही, कोई कितने भी धी बेटी के लिए, उस धी बेटी के लिए मेरे पास एक ही विकल्प है और वो है साक्षात वंश कौशिक, मैं खड़ा हूँ। अगर बोला सत्ता न्याय नहीं मिल रहा तो हम खड़े उसके भाई यहाँ, चलिए समर्थन में, चलिए कहाँ, चलिए समर्थन में, मैं चलने को तैयार हूँ। आप उस बिटिया से मेरी बात कराएंगी? बिटिया से आप क्यों बात करेंगे? आप समर्थन, तमाम लोग वहाँ जाते हैं,
हम जाके समर्थन में खड़े होंगे। सुनिए, लेकिन जब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर आप सोचे कि कल को ये बंदा कहते इसका कुछ गलत हुआ और 50 लोग खड़े तो मैं भी चला जाऊं, नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस बंदे से बात नहीं कर लूंगा। 5 साल का नौकर बोल रहे हैं, इनके पास जाएं हम? प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, अभी किसके हाथ में सत्ता है? किसके? आप क्यों हमारे हाथ में है? क्या कर लिया? किसके हाथ में सत्ता है? किसके पास? किसके पास है? किसके पास? अगर आप यहाँ आपको पता होगा किसके पास है। मोदी जी के पास कर रहे हैं ना मेहनत, उन पे आपको विश्वास नहीं है? आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो जैसी हमारे पास भी आ जाएगी हम भी करके दिखाएंगे। आपने किसके पास? हमारे पास तो भी कुछ नहीं है, हम फिर भी आपसे कह रहे हैं, आपकी मीडिया के सामने कह रहे हैं, कैसा सत्ता बेटी को दिक्कत हो हम खड़े हैं। कैसा सत्ता चाहिए? हिंदू सा राष्ट्र, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र तो नहीं होगा। होगा, एक दिन जरूर होगा। होगा बिटिया? नहीं होगा। होगा, होगा बिटिया? और होगा हथरस में जो कांड हुआ था, कैसे हुआ था? पहले इसका जवाब दो ना, पहले इसको जवाब दो ना, पहले इसका जवाब दो। तुम्हारे पास जो जवाब है उसका मैं जवाब दूँ? मेरे पास नहीं, जब तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। संविधान से देश नहीं चलेगा। अच्छा, पहले चाणक्य थे, महाराणा प्रताप थे, भगत सिंह थे, जब संविधान कहाँ गया? बाबा साहब को नहीं मानते? जो राम को नहीं मानते हम बाबा साहब को नहीं मानते? राम को जो नहीं, हाँ चंद्रशेखर राम को मानता है? आज संविधान की वजह से यहाँ खड़े हो। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो अम्बेडकर खाने के लिए दे रहा है क्या केला? देख सकते हैं ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें अम्बेडकर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसमें अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए ना जाने क्या क्या किया था। ये वही लोग हैं जो सती करवाते थे महिलाओं को। देवदासी, देवदासी के बारे में मालूम है? देवदासी कौन थी? कौन देवदासी? कौन होती थी? कौन है सर देवदासी? किसकी दासी होती थी? उस पे किसको बनाया जाता था? तुम बताओ ना हमें, कौन ही हुआ? आपको जब कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? हमें पता है। क्या पता है आपको? बाबा साहब नहीं मानते? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया। हम बता रहे हैं, बाबा साहब इंसान था, भगवान था? बताओ कौन था वो? इंसान थे, महापुरुष है। अच्छा, तो भगवान बन गए वो? हाँ भगवान बन गए। भगवान बन गए क्या वो? देख सकते हैं कि जो बाबा साहब को नहीं मान सकते आज लग गए ना, तो मुझे भगवान बनवा दो। मनुष्य कोई भगवान भगवान नहीं होता, जो आपको अधिकार दे रहा है वही सबसे बड़ा भगवान है। अच्छा, भगत सिंह, चंद्रशेखर, आज मैं बोल रही हूँ वो संविधान की वजह से। अच्छा अच्छा, तो हम बोल रहे हैं ना हम अपने पूर्वजों की वजह से, कोई अम्बेडकर ने कुछ, उन्होंने जाटव समाज को आरक्षण दे दिया। जाटव समाज वालों आप लोग भी तो ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस में आरक्षण? ओ क्या दे रहे हो? ईडब्ल्यूएस में 10% ले रहे हैं, मुसलमानों को दिला रहा है चंद्रशेखर आरक्षण? ईडब्ल्यूएस में आप लोग भी आरक्षण ले रहे हैं? वो किसी काम का नहीं, आरक्षण की बात क्यों? जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान शौक से रहे देश में, राम जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़े। दलित कहते हैं आप अम्बेडकर की पूजा क्यों? अरे रुक जाओ रुक जाओ, अपने मैया बाबा नहीं पूजा ना कर रहे, अम्बेडकर ही पूजा करें बाकी है। आप अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते? तुम कर रही हो क्या? हम पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसकी बोल रहे हैं। क्यों करें हम अम्बेडकर की पूजा? मेरे माँ बाप से बढ़ के कोई? क्यों क्यों करें हम अम्बेडकर? मेरे माँ बाप से बढ़ के भगवान तुम्हारे नहीं है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए, आपके घर में जो महिला है उसके लिए बहुत अच्छा किया। अब राम में मान लो टेम्पते बात है, ये बात नहीं, चूरन चटनी बिकवा देंगे तुम पे। माइक भाई सब दरोड़े, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऐसा होता क्या बोला है उसने? ये हिंदू राष्ट्र, तुम लोग सारे के सारे गुंडे और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो राम के नाम पे, राम के नाम पे, राम के नाम पे तुम लोग। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या बोला है किसने? बताओ चूरन चटनी किसको बनाओगे? हमने क्या बोला? किसको चूरन चटनी? क्या बोला है? राम के नाम पे, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है तुम्हारा? क्या ये हिंदू राष्ट्र है? बोलो ना उससे, ये हिंदू राष्ट्र है तुम्हारा? ये समझना है लड़कियों को लेके ऐसे बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझना है? ये देखिए, ये है हिंदू राष्ट्र, ये कर दिए प्रिजन में कर दिए। जो संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहब को नहीं मानते, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये बाबा ना हो गो समझ रहे? जय श्री राम। देख सकते हैं आप लोग, आप लोग कल्पना कीजिए कि जो लोग ना अम्बेडकर को मानते हैं ना बाबा साहब को मानते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप लोग इस पूरी खबर पे क्या?